हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नव्य स्टडी पॉइंट। तो आज हम मैं बच्चों को क्या पढ़ाऊंगी, आज मैं बच्चों को टेंस पढ़ाऊंगी। टेंस में मैं क्या पढ़ाऊंगी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। पहला कौन सा होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस देखो, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब तो सबको पता है ना, किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, वर्ब। तो रिया ईट्स चॉकलेट, इसमें क्या है, रिया क्या है, नाउन है। ईट क्या है, ईट वर्ब है, खाना, रिया खाना, रिया चॉकलेट खाती है। तो क्या खाने का काम क्या हो रहा है, रिया का खाने का काम हो रहा है। तो ईट, ईट में क्या लग जाएगा, एस, रिया ईट्स चॉकलेट। एस क्यों लगा भाई, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर सिंगुलर में तुम क्या लगाते हैं, एस और ईएस यूज करते हैं। तो रिया ईट्स चॉकलेट, दे गो टू पार्क। अब दे के साथ क्या नहीं लगेगा, अब वो में क्या नहीं लगेगा, एस और ईएस नहीं लगेगा। दे गो टू पार्क, वी जंप ऑन द टेबल। यानी कि इस बात का ध्यान रखना कि सिंगुलर के साथ एस और ईएस यूज होता है और प्लूरल के साथ एस और ईएस नहीं होता है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ऐसे ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सी वेंट टू आगरा, दे एट पिज्जा, वी जंप, आई स्लेप्ट। ये है हमारा पास्ट सिंपल। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल क्या होता है, रूल देखो, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट। शी विल ईट, दे विल गो, वी शैल ड्रिंक टी, आई शैल लॉक। अब एक चीज ध्यान रखना कि आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल, और बाकी जो बच गया प्रोनाउन उनके साथ क्या लगेगा, विल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।